नहीं रखती हूँ, बच्चों का तो बहुत मन है। और इधर मेरे घर के पीछे जितने भी लोग हैं बिहारी हैं शायद, क्योंकि आता है जो इन लोग का त्यौहार छठ पूजा, तो इधर गाना बजता रहता है। और बिहारी त्यौहार बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बट रह नहीं सकते हैं, बहुत इसमें कठिन है, बहुत कठिन व्रत है, तो नहीं रहते हैं, बट देखने जाते हैं। और जो सिंदूर लगाते हैं उसको भी लेते हैं। और ये मेरे घर के पीछे देखो पेड़ है, ये देखो फला हुआ है, गैया बकरी सब कुछ है। और ये मेडिकल वालों की सौ दुकान है, बहुत ही बढ़िया सब स्पेस है, यहाँ पे घर बना हुआ है। जितने भी है चीन पहचान के ही है। मैं अब जाऊंगी जी किचन। हेलो गाइस, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं किचन में बनाऊंगी पाव भाजी। तो आपको दिखाती हूँ कि पाव भाजी कैसे मैं बनाती हूँ, मेरी अपनी रेसिपी। तो मैं मटर छील रही थी, पानी मैंने गर्म पी रहा। तो मैं मटर छील रही, मटर फ्रिज में रखा हुआ था, तो बहुत ठंडा है मटर, हाथ मेरे गल रहे हैं। फ्रिज का टेम्परेचर तो 0 से थोड़ा है, 0 कर देंगे तो फ्रिज में अजीब से स्मेल आने लगती है, इसलिए पूरा ऑफ नहीं करते हैं। और ये मैं मटर मेरा छिल गया है। अब मैं पाव भाजी बनाने जाऊंगी, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पत्ता गोभी, काट के मैंने रख लिया था अभी। और इसमें जाएगा मटर, इसमें मैं डालूंगी आलू, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पाव भाजी ब्रेड के साथ। तो मेरे पास कुछ ब्रेड भी रखी हुई है, तो बच्चों को मैं टिफिन में दे दूंगी ब्रेड, और पराठा भाजी खा लेंगे। ये ज़्यादातर मैं पाव भाजी ठंडी में ही बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी में गाजर भी मिल जाता है, मटर भी मिल जाता है, और शिमला मिर्च। मैं इसमें गाजर डालूँगी, गाजर का ऐसे भी सेक के आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद तो उसकी भाजी तो बनी जानी है। गाजर खानी चाहिए, टमाटर इसी में डाल दूंगी मैं, नहीं टमाटर इसी में नहीं डालूंगी, भूल गई थी मैं। तो ये मेरी चार चीज़ हो गई है इसमें। अब टमाटर प्याज और शिमला मिर्च जो भी है, तो उसको मैं अभी लहसुन मिर्च तेल के साथ उसको भूनूंगी। इसमें नमक डाल दूंगी, ओनली नमक, इसको प्रेशर कुकर को ढक दूंगी, कोई गड़बड़ी नहीं है, देख आती हूँ। जब तक मेरा इधर ही पकेगा तब तक मैं अपना घर सब कर दूंगी, प्याज वगैरह, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक, ये सब काट लूंगी। और किस किस को पसंद है पाव भाजी, मार्केट में तो काफी महंगी भी हो गई है, एक प्लेट 80-100 रुपए का, तो ज्यादा ही हो गया, पर 80 रुपए का मिलता है मेरे ख्याल से हमारे शहरों में, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। काफ़ी डिफरेंट रहता है, जैसे हम लोग इलाहाबाद जाते हैं तो इलाहाबाद में वही चीज़ आपको 20 रुपये प्लेट मिल जाएगी, और हमारे शहडोल में वही चीज़ आपको 100 रुपये प्लेट मिलेगी, ऐसा रहता है। वहाँ मंचूरियन 20-20 रुपये में एक प्लेट में खा लेते हैं, बिरयानी सिंपल बिरयानी एक एक प्लेट में खा लेते हैं, हमारे यहाँ मिला 80-100 के नीचे भी है एक प्लेट।
बाहर का बहुत कम खाते हैं हम लोग, बहुत कम। पिज्जा भी घर में बना लिए, समोसा भी घर में बना लेते हैं, इडली सांभर ढोकला ये तो सब घर में बनते ही डेली सबके घर में। तो मैं काम में बिजी भी हूँ और सोच रही कुछ बातें भी शेयर कर दी जाऊँ। तो आप लोग अभी 8-9 बजने वाले हैं शायद, तो इन लोग के स्कूल का टाइम बढ़ गया इसलिए मैं लेट नाश्ता भी लेट बनाती हूँ। रात में लेट सोना होता है तो लेट जगना भी होता है, इसलिए नाश्ता भी लेट होता है, फिर काम भी लेट होता है, फिर पूरे घर का पूरा रूटीन बिगड़ी रहता है। स्कूल बच्चे चले जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, अगर नहीं जाते हैं लेट हो गया स्कूल तो फिर अब उसके हिसाब से शेड्यूल हो गया। तो मैं लेके आती हूँ कुछ और समय। तो मेरा इधर पक गया है और ये गया जीरा लहसुन मिर्ची, मिर्ची में थोड़ा सा कम डालती हूँ क्योंकि मेरा एक नहीं खाता है मिर्ची, तो बच्चों के हिसाब से बना रही है। तो ये गिरी लहसुन मिर्चा अदरक और प्याज भून रही है, शिमला मिर्च लेट है तो शिमला मिर्च मैंने नहीं डाला, अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। फिर इसमें मैंने जो मेरी भाजी पकी हुई रखी हुई है वो भाजी को मैं इसमें डाल दूँगी, मसाले वगैरह डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी और फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। अभी मैं यहाँ पे कैमरा रखी हुई थी तो जो पीछे का एरिया दिख रहा था वहाँ पे बर्तन धुलने का है और वाशिंग मशीन कपड़े धुलने का है, तो वो उधर का एरिया है इसलिए खिड़की खोल दो तो दिखता रहता है। और ये मैं धनिया पत्ती, पाव भाजी का अहम चीज़ धनिया पत्ती है, जब तक ये ना पड़े पाव भाजी में कलर और सब कुछ टेस्ट अच्छा नहीं रह सकता। पहले बस देखती हूँ, पहले फिर मैं मसाला डाल देती हूँ, इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी सी धनिया, धनिया पाउडर, जाएगा मैंने रखा हुआ है पाव भाजी मसाला, इसमें पाव भाजी मसाला जाएगा। ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं मैंने मसाला डाल दिया, अब इसमें जाएगा टमाटर, नमक डालने के बाद नमक को ध्यान नहीं डालना चाहिए, सदस्य रथ
अज रे बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो ये मेरी धनिया पत्ती कर गई है और किचन में खाना बनाते टाइम कुछ ना कुछ गाते रहने से, भगवान का नाम लेते रहने से भी उससे क्या होता है कि जो हमारे खाने की एलर्जी है वो इसको मैं मैश कर दूंगी। ये एकदम तो मैश हो गया, भरता हो गया पूरा, कहीं नामो निशान उसको अच्छे से करूंगी। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी इस तरह है। अब मैं इसको मैश कर दूंगी अच्छे से, ये बन जाएगी मेरी भाजी। तो इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लग रहा है, मैश करूंगी तो सब मल जाएगा। और भाजी के साथ ब्रेड हो तो बहुत अच्छा लगता है, अगर ब्रेड नहीं है तो फिर पराठे काफी मजे से खाओ। तो इसमें बहुत सारा पानी लग रहा था, अब देखो कितनी अच्छी मेरी भाजी बन गई। इसको चाट बोलो या भाजी बोलो। अब बस ये हल्का सा पक गया, फिर मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी। हो गया, ये मेरी भाजी बन गई बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हैं। और बच्चे बहुत अच्छे से इसको खाते हैं भाजी को। तो इसको मैश करने के बाद पानी कहाँ गया पता ही नहीं चला, तो मैं अभी आटा भी लगाऊंगी। मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पेपर चल रहा है, आकर्ष का पेपर है आज इंग्लिश का, आयुष का पेपर है आज मैथ का, दोनों का पेपर है, तो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। रात को भी मैंने पढ़ाया, शाम को फ्री हुई है और रात में तो सो जाते हैं, आयुष छोटा मेरा जल्दी सो जाता है। तो ये देखो मैंने धनिया पत्ती डाल दी, देखो ये बन गई भाजी गरम गरम। बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी भाजी कैसी बनी है। और आज मैं गाजर का हलवा भी लगाऊंगी, इसकी भी रेसिपी हर घरों में अलग तरीके से है। तो मेरी भाजी बन गई फाइनली, तो मैं अब आटा लगाऊंगी।
बनाए कैसे, इधर मेरा दूध भी नहीं आया है, दूध भी लाना है बेबी से, चाय रखनी है मेरे को पति देव के लिए। यार पूरा किचन महक रहा है भाजी से मेरे, आहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर डाला था, थोड़ा सा खट्टे के लिए अगर चाहिए, जिसको पसंद हो कि खट्टा खाता है तो थोड़ा सा अमचूर डाल सकता है इसमें। मेरे को तो अमचूर नुकसान करता है तो मैं अमचूर नहीं डाल रही हूँ। ठंड का मौसम है तो अमचूर से खांसी भी आती है और बच्चों को भी नुकसान करेगा, तो टमाटर ही काफ़ी है खट्टा के लिए, नया अच्छा है। फरमाइश चालू है बच्चों की, क्या है ब्रेड नहीं बचा हुआ था तो बोला नहीं मम्मी मैं घर में भी ब्रेड खाऊँगा और स्कूल भी ब्रेड चाप लेके जाऊँगा, पराठे नहीं खाऊँगा। तो मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि हम लोग भी तो नाश्ता करेंगे ना, तो हम लोग पराठा खाएंगे। हम लोग ब्रेड बहुत कम खाते, बहुत ही कम, पिज्जा उज्जा के साथ खा लेते हैं ब्रेड को, जैसे ब्रेड पिज्जा बनाए थे। और मैं ब्रेड पिज्जा भी बनाऊंगी तो फिर आपको रेसिपी जरूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ब्रेड पिज्जा बोलो या उसको सैंडविच बोलो, कुछ भी बोलो, हाँ ठीक है ना, पापा लेने गए हैं तो मैं बना दूंगी। मैं आटा लगा के रख रही हूँ, हम लोग खा लेंगे पराठा और पहले रोटी बन जाएगी। पाँच है, चार नहीं है, तो नीचे वाला भी खाओगे क्या? मैंने चार बोला कि चार ब्रेड है, फिर इसमें पांच ब्रेड है क्योंकि ये नीचे वाला ब्रेड है, तो बोलता है पांच ब्रेड है तो नीचे वाले को मैं नहीं ऐड कर रही थी, पर आयुष मेरे को बता रहा है कि पांच ब्रेड है। तो आयुष गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं फेस किया करो, बस आराम से बोलते, आप ऐसे बोलते गुड मॉर्निंग। पढ़ाई हो गई? हाँ। और रेडी हो गए स्कूल के लिए? ना। क्यों? क्योंकि देख रही हूँ तो। क्योंकि देख रही हो हमको? क्या देख रही हूँ? अरे हमारा कपड़ा। हमारा कपड़ा देख रही हो? क्या पहने हैं? तो रेडी होइए ना, जाइए जल्दी से। कब रेडी होंगे आप? पापा रेडी कर रहे हैं, मैं टिफिन बनाती हूँ, पापा रेडी करते हैं इनको। इतने बजे तो अभी दूध आ गया मेरा, दूध मेरे डेरी से दूध आ गया, अब बनेगी चाय। चाय में पीते ही हूँ, पीते थे चाय, उसी का नतीजा है चाय, कुछ ना कुछ इसलिए चाय आज पीने को नहीं मिल रही है। आयुष तो कॉफी पीता है, तो अभी ब्रेड लेके आएंगे तो फिर इन लोग को रेडी करेंगे। तब तक मैं दो ब्रेड है, वो ब्रेड को सेक के दूंगी तो लोग खाएंगे, है ना? और टाइम स्कूल का 10 बजे, तो आराम है, आराम से सब कुछ करो, है ना आयुष? आयुष ने अभी 1 घंटा पढ़ाई भी करी, 8 से लेके 9 बजे तक दोनों भाई ने, और ब्रश करेंगे, खाएंगे नाश्ता। ब्रेकफास्ट करोगे या नाश्ता करोगे, क्या करोगे? नहीं ऐसे नहीं करो गंदी बात ना आयुष, ब्रेकफास्ट करोगे या नाश्ता करोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? ब्रेकफास्ट करेगा आयु। आयु थोड़ा तोतला है, आयु की, आयु मीठा ज्यादा खाता है ना, तो आयु की क्लियर आवाज नहीं आती है। का बोलूं? बोलो का बोलूं? ब्रेक क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर इंग्लिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश के इंग्लिश में इंग्लिश ही बोलते हैं। तो मेरे हेडफोन गिरा जा रहा है, मैंने एक तरफ का हेडफोन लगाया हुआ है क्योंकि सुनाई नहीं देता, फिर इन लोग की बात तो डांटते हैं, मैंने कहा अरे दोनों कान में लगा लेते हो, सुनाई नहीं देता तो सुनो लोग। तो भैया क्या कर रहे हैं आयुष? क्या भैया क्या कर रहे हैं? हाँ देख के आओ क्या कर रहे हैं, ब्रश हो रहे होंगे। अब बच्चे बहुत स्कूल लेके जाते हैं तो मुझे है। और सुबह से नहाना होता है, डेली नहाते हैं,
नहाना नहीं होता सुबह से, ठंडी लगती है और मेरे को बहुत जल्दी सर्दी भी हो जाती है, इसलिए मैं सुबह सुबह आती हूँ, कल मैं नहा के किचन में आती हूँ काम करने। आज क्या खाएगा? पराठा खाएगा? ब्रेड बोल दिए, ब्रेड ब्रेड खाएंगे सब बच्चों, ब्रेड ही खाना है। कल शाम को भी ब्रेड खाए थे, कल के कल भी ब्रेड खाए थे आप शाम को। लगा के सेक दो, जैम लगा दो और मेरा आयुष सादस खा लेते हैं। और ये लोग हाँ धुल लो, और ये लोग रोटी में, हाँ ठीक है, ये लोग रोटी में भी मेयोनीज लगा लेंगे, पिज्जा सॉस लगा लेंगे, टमाटो सॉस लगा लेंगे और फिर इसको रोल करके खाएंगे पिज्जा जैसे। पिज्जा रोल थोड़ी होता है, पकड़ो तो तू पिज्जा ये जैम के साथ खाओगे क्या? क्यों, भाजी बनी है? जैम का सब खबब मैं जैम का। आप जाइए यहाँ से, जाइए रेडी होने, पापा आ जाएंगे अभी। स्वेटर उतारे आपका? वहाँ पे नहीं कैमरे में, ऐसे देखो नीचे आइए ना, बहुत ऊपर चढ़ गए हैं आप, हमको ढक दे रहे हैं ऐसे हम ढक थोड़ी देर से, 4 सेकंड देने के लिए क्या क्या आएगा पता है? क्या क्या है मैथ में, क्या है 5, 6, 7 आइए आप अपने से बता दीजिए क्या है उसमें। ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, जनरल समरी है, सेंट्रल मनी है, एक्टर, बी फॉर, मैथ, सब कुछ है। जो भी है आयुष को कुछ भी पढ़ाओ, आयुष भूल जाते हैं तो आयुष। मैं दनबली फल बिली भूलता हूँ, दनबली फल बिली भूलूंगा क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर है। जनवरी फरवरी की स्पेलिंग थोड़ी लॉन्ग रहती है तो इसको कुछ भी पढ़ा दो भूल जाता है। दनबली फल बिली में आराम से पाए, मेरे को नहीं टच करो, अच्छे से खड़े होंगे, नहीं गिर जाएंगे। जाइए जाइए जाइए, हम यहाँ पे कुछ कर लें जल्दी से। आप लोग तो पापा को भेज दिए हो, मेरे पेट में भी जलन हो रही है, पानी पी लो। हाँ पानी नहीं है, मेरा धनिया का पानी है, पानी है बट धनिया का पानी है ना, पानी थोड़ी है, दवा है दवा। नाचू अखत लाएगा सारा पछतावेगा, ना सुखी पावेगा सुन कान रे, बस नहीं आता ना होवे दे की सुर की सुन तेरे आराफा के, तीन टकाने सुन तेरे आराफा के, ओ तेरी शरण में है रुक बजे राव साहब के, राव साहब का रे पेल साहब का हड्डिया आर पार का, ब्रांड ब्रांड मिल चाले देख हमारे ब्रांड का, थोड़ा कर बेटा सूर्या टॉप ब्राइन तेरी शहर में लुक बजे राव साहब का, थोड़ी पेट साफ का गड्डी आर पार का, मजाक नहीं आएगा, मजाक थोड़ी है इसमें, नहीं है इसमें, नहीं आयुष भूल गया, आयुष को नहीं आता है, राय तो भाई से नहीं पूछते हैं, पर किसका गाना है ये? एलविश भाई, एलविश भाई, असली नाम बता दो, असली नाम बता दो, असली नाम मुझे नहीं पता, मैं तो देखती नहीं हूँ, एलविश भाई का गाना गा रहा है। एक मिनट, किसी नाम,
मैंने लाइव वीडियो किया था तो एक राहुल करके थे सेवन स्टार ऑफ फैशन की आई भी थी तो उन्होंने बोला कि आप अज्जू भाई को जानते हो तो क्या बच्चा बच्चा अज्जू भाई को जानता है कि अज्जू भाई कौन है और एलविस यादव कौन है। एलविस भाई और यादव नहीं है, मजाक थोड़ी है। अरे रोन साल मारे बेटा हाथ लावेगा सारा पछतावेगा ना सुखी पावेगा सुन गारो ले बुला मिलना हो देखी सरगी सुंदर और राफा के ओ तेरी शहर में है लुक बजरा साफ का धोले पील सा पार घटी और पार का रेड रेड क्या है। मैं बोली मेरा को खुद नहीं आता गाना, जहाँ पे आता वहाँ पे गाती हूँ। नाक में बेटा सूडिया टॉप ब्रांड का तेजी शहर में लुक बाजे रहा सबका। हाँ भाई तो पूछ लो 3 मिनट का गाना है। आयु क्या है, किसका गाना है? एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई और कुछ और उसके आगे थोड़ी जो बोल सकता है क्या? उसके आगे थोड़ी ओ ये भी लगता है फिर बोल लो डांस आता है उनको पराठा बनाया था आयु को क्या पराठा नो चाय। तो मेरी भाजी बन गई और मेरे ब्रेड भी गर्म हो गए, मैंने इनको बटर से शेक दिया है। पाव भाजी वाले ब्रेड नहीं है, ये ब्रेड जो है वो ब्रेड है। तो मेरे पास ज़्यादा ब्रेड नहीं था घर में, ये मेरा ब्रेड भी आ गया है जो पास में मार्केट है तो जल्दी से ले आए तो मैं उसको ब्रेड सेकूँगी बच्चों को घी लगा के। बटर भी नहीं है तो घी से काम चल जाएगा, घी बटर एक ही चीज़ तो है ना। आयु रेडी और पापा जी रेडी कर रहे हैं आयु उसको, खाते भी जा रहा रेडी भी होते जा रहा। ये मेरा चुम्बड़कू ओहो रेडी हो जा रेडी हो जा। कैसे बना है भाजी? अच्छी है नहीं? अच्छा लग रहा है। अच्छा ये मीठा मीठा देव है ना इसलिए इसको जैम अच्छा लग रहा था, अभी जैम खा रहा था ना। और अब भाजी है। और आकाश आपको आकाश को तो फेवरेट है भाजी पाव, क्यों आकाश? और जल्दी जल्दी खा रहा है पाव भाजी है, पाव थोड़ी है पाव, दोनों पाव भाजी, ये भी पाव भाजी, ये भी ब्रेड है वो भी ब्रेड है ना। पाव वाला नहीं है ये ब्रेड है, पर वो भी ब्रेड है पाव वाला, ये ब्रेड है। तो अभी लोग का टाइम होने वाला है स्कूल का, 9:25 हुए हैं तो इसीलिए आकाश मेरा जल्दी जल्दी खा रहा है और मैं भी जा रही टिफिन पैक कर दूँ। हाँ मोबाइल चला रही तो मोबाइल से देख के बता देती ना, मोबाइल में मेरे नहीं दिख रहा है। मेरा घर अभी पूरा फैला हुआ है, ये लोग स्कूल चले जाएंगे तो फिर मैं घर का पूरा सेट करूँगी अच्छे से। जब चले जाते हैं तो मेरे ब्रेड पक गए हैं मतलब सिक गए हैं, अब मैं लोग को टिफिन लगाऊंगी। तो बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे हैं और इधर मेरी टिफिन भी रेडी हो गई है तो मैं लोग का टिफिन पैक करूंगी। मैंने भाजी इसमें डाल रखी है और ये लोग लेके जाएंगे, कम से कम 4 तो आकर्ष लेके जाएगा मेरा, बन जाएगा इसमें। यस उसको ब्रेड मिले दोनों टाइम तो दोनों टाइम वो ब्रेड खाए नहीं होगा। अब मेरा आयुष खाएगा कितना? 3 बोला है वो। 3 तो मैं इसमें 3 डाल देती हूँ। और घर में भी ये लोग ब्रेड खाए हैं
और स्कूल में भी ब्रेड ही खाएंगे आज, घर में आके फिर दाल चावल खाएंगे। नंबर दे। आयुष बोल रहा था कि भाजी नहीं अच्छी लग रही है। नहीं मैं क्या कर रही हूँ ना, क्या कर रही हूँ ना। हाँ आप मुझसे तो, क्योंकि मैं पहले ही बताई आपको कि बहुत मीठे पसंद करता है, इसलिए उसको हर चीज तीखी लगती है और हम अच्छी लगती है। और पैकेट का सामान, और पैकेट का सामान कितना भी तीखा हो उसको तो खाएगा ही खाएगा, ऐसे कर करके खाएगा। क्योंकि आपके चम्मच नहीं है स्कूल में ही आकर्ष, तो क्या करूँ चम्मच दीजिए हमका ये भी भाग गई। अब अंग्रेज हो, अभी बोल रहे थे मैं अंग्रेज थोड़ी ना हूँ, चम्मच से खाऊंगा। गुम जाएगा कभी कभी, कभी भूल गई घर में अगर मैगी होगी देगी तो लीजिए अपनी टिफिन सवाइए और अपने बैग में डालिए और चलिए जल्दी से बैग पैक करिए, मैं भी जा रही हूँ। बोलो। और ये मेरा छोटू रेडी होके आ गया, तीन तो भरी हो ना, ये रेडी होके आ गया, तीन तो भरी हो ना लक्ष्मी। हाँ 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 तो मैं दिखाती हूँ कि लोग अपना बैग पैक कर रहे हैं, बैग पैक करेंगे अब फटाफट अभी निकलेंगे। तो ये देखो बैग पैक कर रहे हैं, आयुष की टिफिन भी भर दो। क्या है तो अभी मस्ती चल रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय। राधे राधे आयुष, बाय बाय। कुछ भी बोल रहा है तो मैं दिखाती हूँ, लोग स्कूल जा रहे हैं और आज बढ़िया अच्छी मस्त धूप भी निकल आई है। धूप रहती है तो थोड़ी स्वेटर कम पहनना पड़ता है। ये देखो कल ये लोग कार से गए थे, बहुत मौसम चेंज था, कल कोहरा था, रात धूप है तो बाइक से। बाय 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 बाय। देखो अभी भी वो बाय ही कर रहा है, जूम नहीं हो रहा दिखाती, ये हो गया जूम। आयुष का स्कूल है सेंट्रल आयुष, 12th तक है, काफ़ी बड़ी स्कूल है और बहुत ज़्यादा स्कोर बच्चे कर रहे हैं। हम लोग को अपना याद आता है बचपन में, तो हम लोग ऐसे ऐसे ही जब निकलते थे स्कूल से तो ऐसे ही शोर होता था, तो मैंने हल्का सा साउंड धीमा भी कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ बच्चों की आ रही थी स्कूल। आयुष का ये तो मेरा कर और ये आयुष आ गए हैं, आते हैं आ जाओ। उन लोग को मैं अंदर गई थी थोड़ी सी स्कूल को वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए, तो मतलब स्कूल गई थी तो मैं बना लूँ थोड़ा सा वीडियो। तो बहुत ज़्यादा ही बच्चे शोर कर रहे थे, इतना याद आता है कि मैं आता है आप लोग बताइए कि हम लोग भी ऐसे कहीं भी जगह कितना शौक किया करते थे स्कूल से, मज़ा आता है। जब भी स्कूल लेने जाती हूँ तो इतना याद आता है मुझे। ये आयुष आकर उनको बोल रहे कि आगे चलो, ये लोग खड़े होकर देख रहे थे, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं आगे आगे चलो भाई, निकलो निकलो। आयुष पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, मेरा बैन नहीं लगवाया था बच्चों को क्योंकि तीन बजे छुट्टी होती है, तो बैन वाले भैया जो हैं चार बजे बच्चों को घर भेजते हैं तो बच्चों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, मैं खाली हूँ तो मैं भैया खाली रहती हूँ कोई।
से कोई ले आता है अपने, तो मैं जा रही हूँ घर बच्चों को लेके और पहुँचते पहुँचते मुझे 5:30 बजे जा रहा हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट जाने में लगता है घर। तो आकाश पीछे बैठा हुआ था, बैग हम लोग आगे रखे हुए थे, तो मोबाइल में हाथ में लेके गई थी आगे डिक्की में आगे डाल के, तो पकड़ा हुआ था तो बना रहा था वीडियो। मेरा छोटू बोल रहा है कि मेरी डैडी में देखो पैसे लगे हुए हैं। तो बच्चों को मैं बैठाए रहती हूँ तो आराम आराम से आती हूँ, क्योंकि यहाँ रोड भी अभी बन रही है, पूरी ख़राब है, कहीं पे अच्छी कहीं पे ख़राब है। और अभी इस टाइम पे तो कुछ ठीक है रोड, नहीं तो अभी तो एक भी नहीं चलाने लायक थे, बड़े बड़े ठेक थे रोड पे, तो स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल था। और जिसकी हमेशा आदत पड़ी रहती है तो वो कहीं से भी काम ले जाता है। और अपन तो हफ्ते में 2-3 बार ही चलाते हैं, तो इन लोग का 24 घंटे का काम रहता है आदमी को चलाने का, तो इन लोग की काफ़ी प्रैक्टिस रहती है। और मैं घर पहुँच गई हूँ तो आकाश मेरा वीडियो बना रहा था उतर के गाड़ी से, अभी भी मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है। और यहाँ इसका बैग नहीं टांगा हो रहा था तो बोले मम्मी मेरा बैग ले लो आप। और यहाँ हम लोग के यहाँ फैब्रिकेशन का काम होता है, तो कुछ लोहा वगैरह पड़े हुए हैं। ये भैया का ऑफिस है, तो आयुष की बैग लेके मेरे साथ ही चढ़ रहा है। और घर में कोई नहीं है तो ताला मार के गए जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं तो आओ तो ताला खोलो, वैसे भी इन लोग की हालत खराब हो गई है। आयुष जा रहा है पढ़ाई करने, मैं भी हूँ। और आकाश भी जा रहा है पढ़ाई करने। हाँ नहीं ऐसे नहीं, तो ना आयुष आयुष हेलो कर दो। हेलो हेलो हाय हाय, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? मेरा भी कोई पूछ लो मैं कैसे हूँ। है ना, आयुष को तो कोई पूछता ही नहीं है, ऊपर से प्राची दीदी बोलती है आयुष की। प्राची दीदी कौन है? आयुष की मामा की लड़की है। तो प्राची दीदी बोलती है कि आयुष को पढ़ाना सिर्फ दीवार में सिर फोड़ने के बराबर है, इसको पढ़ाओ तो ये 2 मिनट में भूल जाता है। तो 2 मिनट नहीं, आधे घंटे में भूल जाता है सब कुछ, पता नहीं भगवान जाने। बड़े याद रखता हूँ ना, पेपर क्या दे के आता है, बड़े याद रखता हूँ ना मैं। क्या याद रखते हो? देखो ना क्या याद रखते हो। भूल जाता है ये याद रखता हूँ, ये करता स्टोरी तो आयुष पढ़ाई करता है, उसकी गलती नहीं है, जल्दी फोकस है। फोकस करो बस, बोलता है फोकस होता नहीं है, फोकस ही तो होता है। लोग बहुत कमेटी है, कार्टून है। हाँ। तो आप लोग की पढ़ाई कम्प्लीट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ये देखिए माय फोकस लाइक आयुष, तो प्राची दीदी बोलेगी कि आयुष पढ़ता कम है ना, टंकी ज्यादा करता है, सही जवाब है ना, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। अति उत्तम दो, यहाँ पे बताओ क्या है, ये पढ़ो ना, आप पढ़ो ना, आपको पढ़ना है। फाइव द कहाँ लिखा है, द कहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है, फाइव नीचे देखो, नीचे देखो, फाइव ऑरेंज बताइए क्या लिखा है, अगर जल्दी याद करो फिर हम आपसे पूछेंगे। ये लोग बोले कि मम्मी कैमरा ऑन कर दो, तो फिर हम वहीं पे पढ़ाई भी कर लेंगे, तुम बातें भी करते जाना इन लोग। तो ये लिखिल है Five little ducks want to play. नहीं, out to play. Out to play over the hills and far away. Mother ducks and quack.
को इंग्लिश थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है और प्राची दीदी को बता भी रहा है कि मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। उसको पोयम याद है। और प्राची दीदी बहुत क्लोज है आयुष के। क्यों आयुष, आकर्ष के क्या आयुष के? क्यों पीछे लेते हो दीदी की? हाँ सही जवाब। दीदी से बात करते हो? हाँ सही। ये मेहरा है। सही है, भी सही है, ये भी सही है। सुंदर हो। सही है, सही है, सही है। दो लिटिल डॉग, देखो दो लिटिल डॉग। मम्मी एक स्टोरी बताओ इंग्लिश की। ना सुनाओ अगर तुम याद करो। दस लिटिल डॉग पानी में रहते थे। दस लिटिल डॉग्स पानी में तैरते। मेरे आँख में दिख रहा है कि मेरे को कितना ज्यादा थकान है। दस लिटिल डॉग्स पानी में तैरते। और नींद नींद लग रहा है। दस लिटिल डॉग्स पानी में तैरते। अभी ये गाय पलारा नहीं। अरे चुप रहो। अभी तो 12 बजे रात तक जगना होगा। पढ़ाओ लिखाओ, पूजा पाठ, काम करो, खाना खाओ, फिर काम करो, इन लोग को सुलाओ। इन लोग पढ़ेंगे कम से कम 9-10 बजे तक पढ़ाई करेंगे। आकर्ष का पेपर है और बहुत हार्ड है। इसके बहुत लेसन चैप्टर बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े दिखाओ। ऐसे नहीं दिखाते आकर्ष। दस लिटिल डॉग्स लगातार पेपर थे, एक भी गैप नहीं था। फाइनल में भी ऐड होगा इसके नंबर। पढ़ाई करोगे ना? 8-9 बजे तक। और सुबह भी उठ के ये करूँगा 7 बजे से। 7 बजे से शायद ही पढ़ाई चालू करेगा, तो 8:30 तक करेगा। तभी तो थोड़ा होगा, इसका कवर होगा। नहीं तो क्या होते हैं ना कि बच्चे जब पेपर नहीं रहते तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। कितना भी बोलो कि भैया नहीं करना चाहिए, कितना भी बोलो कि भैया रिवीजन कर लो, पेपर टाइम आसानी होती है। रिवीजन करने से तो करते ही नहीं है। डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा करेंगे पर डायरेक्ट पेपर के टाइम पे ही पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए, ओवरलोड हो जाता है। बात करने में मगन है, आयुष पता नहीं क्या बक रहा है कैमरे में। और आकाश को पूरा झूठ बोलता रहता है, कुछ भी इतना मैं लोग से डरता है और यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहे हो आप? फालतू को बोल रहे। 10 बतक पानी में तैर रहे थे, 1 बतक डूब गया, 1 ऊपर आया, 1 डूब गया। दिमाग खराब कब से कर रहे? 6 बतक थे पानी में तैर रहे थे। मैं बात करने में बिजी थी तो मैं इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दी कि क्या बोल रहा है। आकर्ष बोला कि जब से गाना गायब पड़ा है। गाना नहीं गायब पड़ा है। 10 बतक पानी में तैर रहे थे, 1 ऊपर आया, नीचे चला गया। 9 बतक पानी में तैर रहे थे, 4 साल के गायब है इन दोनों। बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को। 5 साल लगे, 4 साल का, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ते हैं। स्कूल से आते ही लोग की लड़ाई चालू हो जाती है। मम्मी सुन लो, कैमरा में देख लो, आयुष मेरा सह लेता है। सुनो, हाँ सुनो। 6 बतक पानी में तैर रहे थे, 6 बतक पानी में तैर रहे थे, 1 डूब गया, चोस गई ऊपर, पूछ गई नीचे, पछे 5 बतक थे पानी में तैर रहे थे। पूरा का पूरा कॉमेडी है। 5 बतक थे अच्छे से देखो, अच्छे से देखो।
चाइनीज है ये, कहाँ से आए हो तुम? इंडियन चाइनीज है, इंडियन चाइनीज, 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 एक छपा मारो मार ये। आइस मम्मा का पैर दबाता है, दबाते नहीं हम, मालिश करते बनता है आयु से बनता है। देखो ना कैमरे में कैसे पैर दबा रहा है। जब कैमरा नहीं होता है तब दबाता हूँ, नींद में भी मेरा हाथ दबा देता। मेरा रात के बहुत ज्यादा यहाँ पैन होता है घुटनों में, ऐसे मोड़ के अगर सो जाते हैं तो। फिर आयु से बोलूंगी, आयु मैं साथ में सोते तो आयु से बोलोगे आयु जल्दी जल्दी मेरा घिसो। तो मैं यहाँ पर एक दिन दोबारा दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ। और आयुष, आयुष का शाम होते ही आयुष के भी पैर में दर्द उठ जाएंगे। पूरा दिन इसको पैर में दर्द नहीं उठता है घुटनों में, तो पूरा दिन इसको पैर में दर्द नहीं उठता। जैसे शाम होगी ना 7 बजे तो आयुष सो भी जाएंगे बिना खाना खाए, और पैर दबाएंगे, पैर दबाओ, पैर दबाओ, काम करेंगे, पैर दबाए इसका। क्यों आयु, सही बात है, झूठ है। आयु की दवा चल रही है, पता नहीं क्या है आयु, उसको पैर में दर्द होता है। गोली, मम्मी को नींद आ रही। गोली 10 बजे पानी में चल रहे। अच्छा चलो पढ़ाते हैं, ठीक है। अरे अच्छा, ये क्यों पढ़ा रही हो? 10 मिनट का पानी का बतख तैर रही थी। क्या पढ़ना है आपको? चल मैं रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये नहीं, रीडिंग 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 का मथास का टेस्ट है तो बोल रहा भाई मथास पढ़ूंगा, मथास पढ़ूंगा। मैथ पढ़ना है, कौन सा लेसन, किस लेसन का पेपर है आपका? आकर साहब को कुछ भी रिवीजन नहीं हो रहा है। एक तो हुआ तो था कब पर नॉलेशन। ए बैटल वाज फॉट बाय पेलेसी कार्वो कार्वो कॉल्ड पेलेसी फॉर पेलेसी ऑन 23 जून 1757 बिटवीन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? शाम का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ, गाजर का हलवा। तो आयुष मेरा जब से वेट कर रहा है कि गाजर का हलवा मम्मी जल्दी दो, कब बनेगा आपका? तो ये देखो प्लेट लेके आ गया, ये मेरा मीठा प्लेट लेके आ गया और आयुष का गाजर का हलवा बन रहा है। नीचे रखो, कैसे कर रहे हो, बात करो आप, क्या खाना है आपको, क्या खाना है, बात करो, बात करो आयुष। खाना है गाजर का हलवा। आप लोग को खाना है गाजर का हलवा, शाम का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, बोलो आप लोग को खाना है। मैं तो खाऊंगा, मेरी मम्मा बना रही, मेरी मम्मा बना रही है। कैसे बनाती है आयुष मम्मी गाजर का हलवा? अच्छा दिखाई ले गाजर को, आइए आपका नाश्ते पे स्वागत है। क्या गाना गा दी है ना? हाँ। तो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, दिखा सकती हूँ, तो मैं भूंज रही हूँ गाजर के हलवा को अभी। ये देखिए मेरा कैमरा हिल गया, और सब्जी के साथ में तैयारी भी कर रही हूँ मैं। चाय मेरा बन गया है इधर नीचे, तो मैं चाय में शक्कर डालना भूल गई थी, तो बड़ी देर चाय वापस कर दी है। तो एक कप लिए, बोले मैं पी लूंगा, और भैया भी थे देर से ऑफिस में, तो बोले कि मत दीजिए आप उनको, तो मैं लेके चली आई हूँ। तो बताइए कैसे बन रहा है देसी घी का गाजर का हलवा, और ये मैंने देसी घी, वाओ देसी घी और ऊपर से मम्मी मैं कहाँ से हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये देखिए अभी मैं भूंज रही हूँ गाजर के हलवा को, वेट कर रहा है गाजर का हलवा का प्लेट लेके, है ना। और मुझे क्या करना है अभी, पूजा करना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया धुआं निकल रहा है, वाह वाह। ये बर्फी जैसे मैंने बनाया है गाजर का हलवा, दूध को गड्ढा करके, दूध भी डाला है, दूध को गड्ढा करके फिर उसमें शक्कर डाल के वो जैसे होने लगता है ना मिठाई जैसे, फिर उसमें गाजर डाल दो, भूंजा हुआ गाजर। पहले हम लोग घी में भून लेते हैं गाजर को, फिर इसके बाद दूध को हल्का गड्ढा करके शक्कर डाल के फिर उसी में गाजर को डाल के अच्छे से बढ़िया भूंज लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनता है ना आयुष? किचन टिप्स।
शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना गाजर हलवा कैसे बनाती हूँ। और एक तरीके से बनाते हैं गाजर के, हमें बहुत ही जल्दी में रहते हैं तो जल्दी से गाजर को भूंजे हल्का सा, उसमें दूध डाल दिए, शक्कर उसी में डाल दिए और ढक के पका लेते हैं। जब जल्दी रहता है तो वो थोड़ा उस टाइप का रहता है, फीका फीका रहता है, इतना टेस्टी नहीं रहता है। तो आयुष मेरा गाजर का हलवा कम्प्लीट कर रहा है, क्यों आयुष? आयुष नहाए हो? नहीं नहाते, बच्चे ठंडी में नहाते ही नहीं है। नहीं, तो ठंडी में मेरा आयु गोलू मोलू नहीं नहाता है, अब संडे को ही नहाएंगे, संडे टू संडे इतने दिन में। कभी कभी संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे कभी कभी आयु इंतजार कर रहा है गाजर का लोग, दूसरा बेटा मेरा खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो भी खाता है पर वो बोलता है कि मम्मी मुझे नहीं अच्छा लगता आजकल, तो वो थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा, एक चम्मच ओनली, बहुत बोलने पर भैया कहा लो, भैया कहा लो, पर भैया थोड़ा सा खाएगा। हलवा देखना चाहोगे आप लोग? शकुंतला जी ये देखो क्या मस्त, और इसमें खोआ भी दिख रहा है क्योंकि मैंने जो तरीका बताया उसके हिसाब से खोआ दिख रहा है। तो मैं आयुष को और अभी तो मैं आयुष को दे दूंगी, पर मैं जूठा नहीं करूंगी हलवा को, मुझे भगवान का भोग भी लगाना है, तो आयुष दूर जाके खाएगा, तो आप लोग भी खाइए गाजर का हलवा। लीजिए खाइए, आयुष बोलता है लीजिए खाइए, तो खा के बताइए कि कैसे बना है, है ना? तो आयुष खा के बताएगा कि मम्मी गाजर का हलवा कैसे बना है, ठीक है? तो लाइए चम्मच। यस, ले आया। हाँ लाइए, गर्म है मम्मी, है ना? हाँ। तो ठंडा कैसे करें? ऐसे करके, जैसा मम्मी कर रहा है। तो मैं एकदम थोड़ा सा इसको खिलाऊंगी आयुष को टेस्ट के लिए। तो आयुष बताएगा कि हलवा कैसे बना है। ये अफकोर्स कैसे बना है, अफकोर्स मीठा है, मीठी चीज, मीठा नहीं है, मीठा नहीं है गाजर, मीठा नहीं है आपको गाजर, मीठा नहीं लगा आपको गाजर, मीठा नहीं लगा, मत खाओ, लगा। तो मत खाओ, मत खाओ, मीठी बोलनी है। हाँ, क्योंकि मैंने शक्कर ले डाला है ना, शक्कर अच्छे से लगा ही नहीं, शक्कर अच्छे से लगा, तो इसका मतलब आयुष को गाजर का हलवा नहीं खाना है, आयुष गाजर का हलवा नहीं खाएगा, यानी आयुष को कैमरे में मम्मी को बुराई ही बता दी है ना किसी ना किसी तरीके से, तो आयुष को गाजर का हलवा नहीं खाना है। देखो आयुष बार बार बाहर निकाल लेता है हलवे को, मैं उसको अंदर कर देती हूँ और आयुष उसको बार बार बाहर निकाल लेता है कि आयुष को गाजर का हलवा नहीं खाना है, है ना आयुष? अरे मत खाओ ना, अच्छा नहीं तो मत खाओ, उसको यहाँ पे रख दो, ऐसा हो नहीं सकता है कि आयुष गाजर का हलवा ना खाए, भले कुछ भी बोले, है ना आयुष? अब बताएगा कि कैसे बना, थोड़ी से अच्छे से खा तो ले तब ना बताए कि कैसे बना है, गाजर का हलवा अच्छा नहीं बना है बोलता है, छोड़ भी नहीं सकता है कि नहीं खाऊं, क्यों? गाजर तो ऑलरेडी मीठा होता है और गाजर का हलवा में कम मीठा, कम शक्कर डालते हैं तो थोड़ा खिला भी जाता है, बहुत मीठा करो तो पेट में नहीं जाता ना, मुंह में नहीं जाता। हाँ ये देखो अच्छा बना है। तो बोलो बोलो, ओपी 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 है भाई, ओपी ओपी है गाजर का हलवा, नहीं नहीं कैमरे में नहीं, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं, हाँ हाँ बोलो। अच्छा ऐसे नहीं बात करते है ना, गंदी बात तुमको सुनाई नहीं दी है ना, तुम क्या बोले हो, है ना? तो हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सीक्रेट भाई नहीं बताएंगे। तो ना अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो प्लीज प्लीज देखने के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।